हम आपको एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद अमरोहा के ब्लॉक जोया में स्थित गांव गंगदासपुर में लेकर चलते हैं। लगभग 5000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 13 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान गयूर हुसैन हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 95 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में 122 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में सीसी टाइल्स रोड का निर्माण, खडंजा नाली, 19 आवास तथा मनरेगा के तहत तालाब निर्माण का कार्य भी कराया गया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 23 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 15 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 65 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं तथा 20 विद्युत पोल एवं 2 ट्रांसफार्मर सरकार से लगवाने की मांग है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए 300 मीटर नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 90 आवास के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान गंगदासपुर, जिला अमरोहा, ब्लॉक जोया से मैं ग्राम प्रधान हूँ। हमारे गांव में 60 साल आए विधवा पेंशन ये नहीं बनी है। हम दफ्तरों के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। लोग कह देते हैं कि बाबू, बड़े बाबू ना है, ये लोग ना है, वो ना है। अच्छा, गांव की जनता हमें रोज़ आन के परेशान करती है। सरकार रोज़ टीवी पे और क्या कहें अखबार में रोज़ भाषण मार रही है कि हम लोगों को 60 साल देंगे आवाज़ देंगे, और कागजों में तो रोज़ आवाज़ 60 साल दे रहे हैं। प्रधान के घर आन के पब्लिक रोज़ परेशान करती है, और कोई भी अधिकारी सुनने के लिए और काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना कोई 60 साल बनवा रहा है, ना कोई आवाज़ दे रहे हैं, और हम परेशानी का सामना हमें उठाना पड़ रहा है। जनता रोज़ हमारे भेबे के जूते मारती है, अरे भाई हमने तुम्हें कैसा प्रधान बना दिया, इससे तो पहला बेहतर था, 60 साल ना बनी, ये ना हुआ, और हमारे आवास ना मिले। और पानी की निकासी के लिए बहुत परेशानी है, पानी की निकासी ठीक नहीं है। हाँ, डैर का तो मामला वो बहुत वो है ही, चारों तरफ से लोगों ने डैर भी दाब लिया है, उसकी कोई सुनवाई ना होती। कई बार उस पर एप्लीकेशन भी लग गई है, जब वो डैर दब जाएगा तो फिर पानी कहाँ को जाएगा। पूरे गांव का समस्या है पानी निकासी की। अरे भाई, तालाब जो बनाए जाते थे पानी के, उसके लिए गंदे पानी के लिए बनाए जाते हैं, भाई गंदा पानी उसमें जाकर इकट्ठा हो जाए, फिर वो पानी के ज़्यादा वो ख़राब ना हो, इधर आधा ना बह पानी।